सनी देओल की अपकमिंग फिल्म होने वाली है बॉर्डर 2, जिसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद उनकी एक बड़ी फिल्म का सीक्वल आने वाला है। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो वहीं विवाद भी बढ़ गया, जिस विवाद को लेकर पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। बॉर्डर 2 की अब बढ़ती हुई मुश्किलों ने फैंस को भी परेशान कर दिया। आइए चले जाते हैं, क्या है पूरा मामला और बॉर्डर 2 को लेकर क्या मुश्किल आन पड़ी है। अब साल 1997 में बॉर्डर रिलीज हुई थी, लेकिन 27 साल बाद इसका सीक्वल बॉर्डर 2 आ रहा है। इसमें सनी देओल के साथ साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक ऐसे विवाद को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई, जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और इस पुराने विवाद को लेकर फिल्म के निर्देशक रही निधि दत्ता ने रिएक्ट भी किया है। दरअसल जेपी दत्ता, जो बॉर्डर फिल्म को लेकर आए थे, उनकी बेटी निधि दत्ता फिल्म के दूसरे भाग को डायरेक्ट कर रही है। और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के पुराने प्रोड्यूसर भरत शाह ने बॉर्डर को फाइनेंस किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में अनबन हो गई। फिल्म के प्रॉफिट को इक्वली न बांटने पर भरत शाह ने फिल्म के निर्देशक जेपी दत्ता के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता को लेकर लगाए गए आरोप पर एक बयान जारी किया गया। होता यूं है कि इस मामले पर निधि दत्ता ने ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज के जरिए जेपी दत्ता और जेपी फिल्म्स की ओर से बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने भरत शाह की ओर से बॉर्डर को लेकर जेपी दत्ता पर लगाए फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के आरोपों को नकार दिया। जेपी फिल्म्स ने आरोपों को झूठा, बेसलेस और पब्लिक की सनसनी पैदा करने के इरादे से बताया गया है। हालांकि इस प्रेस रिलीज की बात करें तो इस प्रेस रिलीज में लिखा है, लिटिल एंड कंपनी की तरफ से अपने क्लाइंट भरत शाह और बीना भरत शाह की ओर से फिल्म ट्रेड जर्नल्स ने जारी किया गया पब्लिक नोटिस, जिसमें फिल्म बॉर्डर के अकाउंट्स के बारे में जेपी दत्ता के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो गलत है। इसके साथ ही ये भी लिखा गया है कि आरोप एकदम बेसलेस है, जो पब्लिक अटेंशन पाने के लिए लगाए गए हैं। इस स्टेटमेंट ने अब दोनों पार्टी के बीच विवाद को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि जेपी फिल्म्स ने भरत शाह के आरोपों को सनसनी फैलाने की चाल बताया है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में भरत शाह इसको लेकर कोई बड़ा बयान दे। हालांकि कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि विवाद अगर ज्यादा बढ़ा तो ये फिल्म फिर से रुक सकती है, क्योंकि जेपी दत्ता कई साल पहले ही इस फिल्म का निर्माण करना चाहते थे और इस बात का खुलासा सनी पाजी ने किया था। सनी पाजी ने एक बार गदर 2 की सफलता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी थी कि जेपी दत्ता और मैं 2015 में बॉर्डर 2 को लेकर वाले थे, लेकिन उस दौरान मेरी फिल्में नहीं चल रही थी। और इसी कड़ी में फिल्म के दूसरे भाग को लेकर इतना बड़ा विवाद बढ़ गया, जिसकी वजह से अब फैंस भी काफी ज्यादा परेशान है।